जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक थानों पर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस और राजस्व संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाता है। शनिवार को गोरखनाथ थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता एसएसपी शलभ माथुर ने किया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार संजीव दीक्षित, लेखपाल विनय श्रीवास्तव, जगदीश चौधरी, अशोक भारती, ऋषिकेश सिंह और नगर निगम के RI सतीश कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस में SSP शलभ माथुर ने फरियादियों की फरियाद सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, द्वितीय जो शनिवार तृतीय शनिवार होते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, उस पर थाना समाधान दिवस जो होता है उसके अंदर जॉइंट पुलिस और राजस्व की टीम जो है जो जमीन संबंधी प्रकरण है उनके निस्तारण के प्रयास करती है, ताकि एक तो शिकायतों का निस्तारण हो और उसको लेके कभी कोई झगड़ा वाद विवाद हो तो वो पूर्व के अंदर ही उसके अंदर जो अपेक्षित कार्रवाई करके निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा सके और जो जनता की समस्या है उसका भी निस्तारण किया जा सके। अभी मेरे द्वारा गुलरिया और गोरखनाथ थाना यहाँ पर चेक किया गया, कुछ विवाद थे, कुछ पुराने थे जो शेष रह गए थे, पेंडेंसी थी, उनको कराया जा रहा है और समस्त अधिकारी आज अलग अलग थानों पर राजस्व के और पुलिस के इन प्रकरणों का समाधान कर रहे हैं। जमीन संबंधी बेसिकली आज का जो दिवस है वो इसलिए किया जाता है, इस बीच जो जनता दर्शन में या अन्य माध्यम से भी हमको प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं जहाँ पर ज्वाइंट टीम के जाने की अपेक्षा होती है कि उससे निस्तारण किया जाए पुलिस और राजस्व का, तो उनके कंप्लेंट्स को भी आज थाने बुलाया जाता है ताकि वहाँ पे उनके प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।